नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति के तहत ग्राम शरीफपुर में कार्यक्रम का आयोजन कर पुलिस कप्तान द्वारा महिलाओं को महिला संबंधी उनके अधिकारों तथा उनके लिए चलाई जा रही शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। रविवार को ग्राम शरीफपुर स्थित पंचायत भवन पर मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पुलिस कप्तान विनोद कुमार ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए शासन द्वारा यह योजना चलाई जा रही है ताकि महिलाओं का उत्पीड़न होने पर उनको अपने अधिकारों तथा शासन से कैसे सट्टा मिलेगी इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क कल डायल 1076, डायल 1090, डायल 112 व 102 आदि की विस्तृत जानकारी दी। महिला थाना प्रभारी सरोजनी देवी ने महिलाओं से संवाद करते हुए उन्हें पुलिस से किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने के लिए शासन की योजनाओं के साथ ही आत्मरक्षा के गुरु भी सिखाएं और इसी के साथ उपनिरीक्षक मधु यादव, कांस्टेबल प्रीति यादव, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जेपी वर्मा, ग्राम प्रधान राजीव कुमार व अनिता देवी ने भी उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए जानकारी दी। इस अवसर पर गांव की बालिका नेहा व मानसी ने एक लघु नाटक का मंचन कर महिलाओं को जागरूक किया। इस मौके पर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ती विनेश यादव, रेखा, अनिता आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं। झारखंड के अध्यक्षता ग्राम प्रधान राजीव कुमार तथा कार्यक्रम का संचालन दीपक गुप्ता ने किया। देखिए मैनपुर जनपद के कुरावली से मुकेश गुप्ता के सुरक्षा के संबंध में, उनके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए और उनके स्वावलंबन के संबंध में जो भी नियम कानून बने हैं, उनको सुविधाएं हैं, उनको जागरूक किया जाए, बताया जाए और उनको सुविधा का लाभ दिलाया जाए। इसी के तहत हमारे पुलिस विभाग में भी हर गांव में जा कर के स्ट्रीट वाइज हमारी महिला आरक्षी जाती हैं और सभी स्तर के अधिकारी जाते हैं। उसी के तहत ये आज कार्यक्रम शरीफपुर गाँव में हमारा मुरावली। सर, अगर जो जागरूक करने की बात करें तो किस किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है इन महिलाओं को जो यहाँ पर किशोर में भी मौजूद है, किस किस तरीके से क्या क्या बताया जा रहा है? देखिए, इसमें जो महिलाओं की सुरक्षा के कानून बने हुए हैं गाँव में, जो चेहरा मन रखो, अपने चेहरा खुले रखो, ऊपर रखो। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।